कहते हैं दिल्ली का रास्ता जो है वो अब यूपी से होकर जाता है, यानी कि दिल्ली के सत्ता का रास्ता। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने इस बार बीजेपी नेताओं के माथे पर शिकन जरूर डाल दी थी, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिसके माथे पर चुनाव के दौरान बिल्कुल भी शिकन दिखाई नहीं दी, और वो चेहरा था सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने अपनी कार्यक्षमता, कुशल नेतृत्व के बल पर गठबंधन के किले को ढा दिया और 62 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जीत दिला दी। जो गठबंधन यूपी में 50 से ज्यादा सीटों के जीत का दावा कर रहा था, उसे मात्र 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सीएम योगी ने गठबंधन के तिलिस्म को धराशायी कर दिया। मोदी का मैजिक फिर चल गया, मोदी मैजिक। और इस चुनाव का मुख्य मुद्दा रहे राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाने के लिए 163 जनसभाओं में जमकर गरजे योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि 9 राज्यों की 30 संसदीय सीटों पर पार्टी के लिए प्रचार किया। यही नहीं, अपने आक्रामक भाषण और सोशल मीडिया के जरिए लगातार विपक्ष को घेरे रखा और मिशन मोदी की कामयाबी में अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। पार्टी की तय रणनीति के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरुआत ममता दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से की और एक के बाद एक तूफानी दौरे कर लोगों को जोड़ा। दरअसल योगी की छवि और राष्ट्रवाद के मेल का असर पार्टी गुजरात और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देख चुकी थी, इसलिए पार्टी के रणनीतिकारों ने योगी को प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए दूसरे राज्यों की उन सीटों पर भी उनसे प्रचार कराया जो बीजेपी के लिए मुश्किल थी। योगी की छवि और लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योगी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बोनगांव, बहरामपुर, श्रीरामपुर, कोलकाता में जनसभा की, तो वहीं खुद मोदी के गृह प्रदेश गुजरात के गांधीनगर से लेकर आंध्र प्रदेश के श्रीकालहंस और येल्लार रंगजीत में भी सभाएं की। योगी ने बिहार के मोतिहारी, मधुबनी, छपरा, पटना में सभाओं को संबोधित किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और नवापाट जैसे क्षेत्रों में भी सभा कर पार्टी का प्रचार किया। खास बात ये रही कि योगी ने बीजेपी की सकारात्मक राजनीति और सबका साथ सबका विकास के नारे पर फोकस किया, तो वहीं इस दौरान विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति कर योगी को घेरने की कोशिश की। आज खुद योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि सकारात्मक राजनीति पर लोगों ने मुहर लगा ली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं और आने वाले समय में सकारात्मक राजनीति जो करेगा, देश हित में राजनीति जो करेगा,
विकास के लिए और वास्तविक रूप से बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की जो सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाएगा वही टिका रह पाएगा, अन्यथा पब्लिक उन्हें स्वयं खारिज कर देगी चुनाव में साबित। पूरे प्रचार अभियान के दौरान खास बात ये रही कि योगी सोशल मीडिया पर भी केंद्र के फैसलों और बीजेपी की नीतियों को लेकर बेहद सक्रिय दिखे। योगी की जनसभाओं में जहां भीड़ जुटी तो वहीं दूसरे प्रदेशों में भी उनकी छवि और लोकप्रियता का असर दिखाई दिया। पर योगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने प्रदेश में थी, जहां अंतिम दो चरण में पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव होना था। वहां एसपी बीएसपी का जातीय गणित मजबूत था। योगी ने गोरखपुर और काशी में प्रवास कर इस लक्ष्य को साधने में भी अहम भूमिका निभाई। इस दौरान योगी सोशल मीडिया पर भी बेहद लोकप्रिय बने रहे। एक महीने में जहां उनके ट्विटर अकाउंट में 3 लाख फॉलोअर्स जुड़े, वहीं इस अवधि में उनके फेसबुक पेज को भी 1.5 लाख नए फॉलोअर्स ने फॉलो किया। योगी ने जहां पूरे देश में बीजेपी का प्रचार किया तो वहीं उत्तर प्रदेश में मिली कामयाबी में प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं की सफलता की भी बड़ी भूमिका रही। योगी मानते हैं कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से लोगों को लाभ मिला है। 7 करोड़ लोगों तक, 7 करोड़ जो जन थे प्रदेश के आम जन थे, वहां तक शासन की योजनाओं का लाभ किसी न किसी रूप में पहुंचा। आयुष्मान भारत में लगभग 6.5 करोड़ आयुष्मान भारत से कवरेज था। उत्तर प्रदेश का 1.18 करोड़ परिवार, जो 56 लाख परिवार छूटे हुए थे, उन्हें हमने प्रदेश सरकार के अपने बजट से अतिरिक्त रूप से उन्हें आच्छादित किया। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 7 करोड़ लाभार्थी आयुष्मान भारत और प्रदेश की जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित हुए। मोदी योगी की ये जुगलबंदी आने वाले समय में भी सियासी करिश्मा कर सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें योगी की अगली परीक्षा होगी। योगी आदित्यनाथ की सबसे खास बात ये है कि वो अपनी छवि से हिंदुत्व और प्रखर राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यूपी सीएम के रूप में लिए गए उनके फैसलों से वो जनता के बीच भी लोकप्रिय हैं। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में योगी की इस छवि का लाभ पार्टी को मिला है। आने वाले समय में भी योगी आदित्यनाथ की इसी छवि से हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को एक साथ साधा जा सकता है। कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ शिल्पी सेन, सारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ।